इसकी क्या प्राइस है भाई? 320। ये मेरी एक और शॉप है, यहाँ मुझे ये ड्रेस नज़र आया है, बहुत ही प्यारा है, ब्यूटीफुल। इस वाले की क्या प्राइस है? दोनों 350 का है। अंदर आपने जो ये फैब्रिक दिया ना, ये अच्छा किया है बहुत। ये बहुत सारे अबाया की शॉप्स ऐसी जो खाली अबाया सेल कर रहे हैं स्कार्फ नहीं, तो आप यहाँ से आके अपनी पसंद के कलर के स्कार्फ्स भी ले सकते हैं। कैन यू बिलीव गाइस, मैंने ये अपने बाल डायसन से स्टाइल किए हैं। जैसे जैसे मैं डायसन को यूज़ करती जा रही हूँ, मुझे इसको अच्छे से यूज़ करना आते जा रहा है। आई जस्ट लव इट। डू लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट। स्टाइल इट विद डायसन, जस्ट विद डायसन एट होम। कांट बिलीव कि मैंने घर पे इतना अच्छा ब्लो ड्राई किया है। सो दिस इज़ माई होम डन ब्लो ड्राई। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं जा रही हूँ अबाया मॉल इन दुबई, और बस मेरे साथ चलें आप लोग भी और देखते हैं कि वहाँ पे कैसी कलेक्शन है अबायास की और क्या प्राइसेस हैं। दिस विल बी माय फर्स्ट टाइम विजिटिंग अबाया मॉल। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर अबाया मॉल जो है वो दो तीन तरह के हैं, जैसे कि एक अजमान में है और एक मिर्दिफ में है जो कि दुबई में है, दूसरा जो है वो शारजा में है अबाया हाउस के नाम से। तो आज अबाया मॉल में सिर्फ जाकर देखते हैं कि वहाँ पे क्या प्राइस रेंज है, कैसी कलेक्शन है एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ द अबाया मॉल, आई एम स्टिल ड्राइविंग टुवर्ड्स इट, विल गो टू द पार्किंग एंड पार्क ओवर देयर। अबाया मॉल इन मिर्दिफ दुबई। सो देयर इज़ अबाया मॉल कस्टमर पार्किंग 10 AM to 10 PM, ओवर नाइट पार्किंग नॉट अलाउड, यानी कि 10 AM to 10 PM फ्री है। सो लेट्स गो एंड पार्क, इट्स द बेसमेंट पार्किंग। तो हम पहुंच गए हैं, मैंने गाड़ी पार्क कर दी एंड लेट्स गो इनसाइड नाउ। आई एम इन द लिफ्ट गोइंग अप टू द ग्राउंड फ्लोर। सो दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ अबाया मॉल व्हेन आई कम आउट ऑफ द लिफ्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। द फर्स्ट शॉप दैट आई कैन सी सेज ज़रतार, एंड देर आर नॉट अबायाज बट जलाबियाज ओवर हियर। जलाबिया इज़ लाइक द अरबिक ट्रेडिशनल ड्रेस दैट द अरब लेडीज एंड गर्ल्स वेयर, स्पेशली इन द फेस्टिवल्स एंड ऑल। लुक्स ब्यूटीफुल। सो इस लाइन में सारे जलाबिया की शॉप्स हैं। इसकी क्या प्राइस है भाई? 320। ये एम्ब्रॉयडरी का क्या नाम है? ये इसका 3D जैसा काम है। 3D जैसा काम है, वर्क है, और उसके बाद इसमें शाइनिंग एम्ब्रॉयडरी हुआ है। ऑलराइट, क्या प्राइस बताया आपने? 320। ये फाइनल प्राइस है इसकी? डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, प्यारा है डिज़ाइन आपके सारे। इसके अलावा इधर और डिज़ाइन भी है। आपने ये यहीं से एम्ब्रॉयडरी करवाई है या कहीं और से करवाते हैं? शॉप का वर्क है। इसके अलावा ये डिज़ाइन भी है सारे, और इधर भी है ये सिलसिले वाले। कौन सा फैब्रिक है ये? तो सिल्क लग रहा है ना? सिल्क है, सिल्क भी है, कॉटन भी है, नेट भी है जी, और दूसरा टॉप इमारती भी है। ये कौन सी प्राइस रेंज में है वैसे आपके पास? ऑल डिफरेंट डिफरेंट प्राइस। स्टार्टिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग प्राइस 100 भी है, 150 भी है। ओके, यानी काम के मुख्तलिफ काम है ना, जिस तरह काम हो उस तरह प्राइस, उस तरह की प्राइस है। ऑलराइट, ठीक है। देखिए ये हैंड वर्क, 3D वर्क है, ये इस टाइप का डिजाइन भी है। इस वाले की क्या प्राइस है? 280 दिरहम। इस तरह सेल करते हैं, बाद में डिस्काउंट। इसमें साइजेस होते होंगे आपके पास या वन साइज? अभी अनस्टिच है। ओके ओके, स्टिचिंग की जरूरत है बस। ऑलराइट, और वो सामने सारे स्टिचिंग वाले पड़े हुए, जो चीज चाहिए स्टिचिंग बाद में चाहिए स्टिचिंग भी मिलेगी। जबरदस्त, 100 से स्टार्ट हो रहा है और डिफरेंट प्राइसेस हैं आपके पास। तो ये पहली शॉप थी जो मैंने विजिट की थी। वैसे तो मैं बायास देखने आई थी, लेकिन मैंने इनको भी एक्सप्लोर किया, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है स्कूल कॉलेज में ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनने होते हैं। ये शॉप वाले भाई ने मुझे पानी भी दे दिया, कहने लगे आप पानी ले लीजिए, यहाँ शॉपिंग करेंगे तो मैं पानी लेके निकल आई हूँ बाहर। फिर ये एक और शॉप है, यहाँ मुझे ये ड्रेस नज़र आया है, बहुत ही प्यारा है, ब्यूटीफुल। एंड दिस शॉप लुक्स क्वाइट ब्रांडेड, कैज स्टोर, अंदर से भी प्यारी है। तो मैं यहाँ जाकर देखती हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं और क्या प्राइसेस हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू हैव अ बायर्स? वेरी यूनिक डिज़ाइंस। तो यहाँ पे भी देखिए जलाबियाज लगे हुए हैं, इसके डिफरेंट प्राइसेस हैं, जैसे ये वाले का 600 है। देन हियर इट्स लाइक लिल बिट वेस्टर्न टच इन द अरबिक स्टाइल। सो दिस वन इज़ लाइक 683 एंड देन सो ऑन, दिस इज़ ट्रेडिशनल अरबिक स्टाइल, नो प्राइस।
लवली। एंड द प्राइस इज अगेन 683। जिस शॉप पे मैं भी गई थी उन्होंने बोला कि अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, लेकिन वहाँ पे कलेक्शन बहुत यूनिक थी और प्राइसेस थी अराउंड 945, 788, 1045। कुछ ऑर्डर्स पे बनाने के लिए हैं और कुछ रेडीमेड भी थे। इस वाले की क्या प्राइस है? दोनों 350 का है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है ना कि सेम डिज़ाइन बन जाएगा। उसी फ्लोर पे मुझे फिर एक ये शॉप मिली थी जहाँ पे अबायास थे और ये जो सेलर थे वो इंडियन थे। ये लोग खुद अपनी ही शॉप पे इसको एम्ब्रॉयडर करते हैं, इनके अपने डिज़ाइन होते हैं एंड दे कैन कस्टमाइज इन एनी फैब्रिक। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं कि सना मेरी बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी जाने वाली है एंड शी वांट्स टू वेयर अबाया इन यूनिवर्सिटी, इसलिए मुझे 3 से 4 अबायास के लिए लेने हैं, तो मैं थोड़ी रिजनेबल प्राइस में अच्छी डिज़ाइन ढूंढ रही हूँ। इस शॉप पे जितने भी अबायास थे सबकी प्राइस 300 to 400 के बीच में थी। मुझे इनके डिज़ाइन और फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी सब कुछ बहुत अच्छा लगा। एक ही डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट कलर्स भी थे, तो इसमें इस तरीके से भी वैरायटी थी। जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है कि सेम डिज़ाइन में ये देखें ब्लू कलर है, पीच कलर है, बेज कलर है, वाइट है एंड ऑल। कुछ लोगों को जो है वो अबाया पैटर्न स्टाइल में नहीं चाहिए होता, तो उनके लिए उन्होंने इस तरह के सेट्स बनाए हुए थे कि लूज पैंट्स और टॉप है और फिर ऊपर से जो है वो पुल ओवर है, तो वो एक अबाया का लुक भी है। डबल शेड में बहुत प्यार है। अच्छा, मैं अगर इनमें से कोई एक लूंगी तो आप लास्ट क्या कर देंगे? 300 कर देंगे। मुझे अपने लिए अच्छा लग रहा है ये। इसमें स्कार्फ कैसा होगा? प्लेन नहीं, कलर कलर स्कार्फ तो प्लेन ही अच्छा लगता है। वैसे तो मैं परमानेंटली अबाया नहीं पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ गैदरिंग्स में या किसी जगहों पर मैं अबाया पहनती हूँ और मुझे ये वाला बहुत पसंद आया था। इट वाज रियली यूनिक एंड सो स्टाइलिश एंड डिफरेंट। शॉपकीपर बहुत समझदार था, उसने मेरे टेस्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, फिर उसने मुझे वही वही निकाल कर दिखाया जो मुझे वाकई बहुत अच्छे लगे थे। लेकिन इसका फैब्रिक कितना प्यारा है, इसका डिज़ाइन कितना प्यारा है, द कलर वॉज जस्ट अमेजिंग। तो मैंने ये भी ट्राई किया और ये मुझे अपने ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब डिज़ाइन जो है वो एक पेटेंट अबाया वाले डिज़ाइन नहीं है, बहुत यूनिक एंड स्टाइलिश है। इस शॉप पर मुझे अबाया बहुत पसंद आए थे, मैं तस्वीरें वीडियोस बना लेती हैं कि बेटी को दिखाऊंगी एंड देन शी कैन चूज एनी वन और टू फ्रॉम देम। फिर मैं बाहर निकली और मैंने जायजा लिया कि और क्या क्या है, तो इस वाले फ्लोर पे जो है ना वो चुनिंदा ही बस अबाया की शॉप्स थी, बाकी सब जो है वो जलाबिया की शॉप्स थी। कलर क्रीम कलर है ना? जी सिस्टर, लाइट पिंक लाइट क्रीम दोनों कलर्स। माशाल्लाह बहुत प्यारा। इसकी भी वही आपने कहा 180 सब की है? जी 180 सब की है। कहते हैं ना कि अगर आपकी नियत साफ हो और आप सच्चे दिल से कुछ ढूंढने तो आपको मिल ही जाती है। तो मुझे जो है भाई जैम मिल गया है कि शॉप वहाँ पर थी अबाया मॉल में, लाहौर की लड़की थी और पठान लड़के थे और ये सारे अबायास 180 दिरहम्स के सेल कर रहे थे, सारे अबायास जस्ट फॉर मार्केटिंग ऑफ देयर शॉप। मतलब ये कि बस ये प्राइसेस कुछ अरसे के लिए हैं और उसके बाद ये प्राइसेस वापस हाई हो जाएंगे। तो आप भी देख रहे होंगे कि कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं और कपड़ा देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि कितना सॉफ्ट है। गर्मियाँ आ रही है ना, तब सॉफ्ट फैब्रिक की ज़रूरत है। तो जो लेसेस लगाई हुई हैं, जो डिज़ाइनिंग की हुई है, कुछ ओपन है कम्प्लीटली, कुछ एक बटन के साथ हैं, कुछ ज़्यादा बटन के साथ हैं और कलर्स में बहुत सारी वैरायटी थी और प्राइस बहुत रीजनेबल थी। आई जस्ट लव दिस शॉप। इधर से भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ और तस्वीरें बना के सना को भेजी हैं, उसे 4-5 पसंद भी आए इसमें से, लेकिन मुझे बेहतर यही लगा कि मैं उसे लेकर आऊँ ताकि वो ट्राई करे लेंथ और उसकी जो साइज़ है वो सारों से सही है कि नहीं, और उसके बाद हम कुछ फाइनल करें। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने सिंपल डिज़ाइन क्यों देख रही हूँ, तो देखिए जब इंसान को कोई एक अबाया लेना होता है ना, जहाँ जो वो दावतों में भी पहन के जाएगा, गैदरिंग्स में भी पहन के जाएगा, बाहर भी, तो वो सोचता है कि भाई अच्छा महंगा एक ले लें, लेकिन यहाँ हमें 3-4 लेने हैं, तो इसलिए मैं सिंपल वाले देख रही हूँ। फिर उसको ही पूरे यूनिवर्सिटी के डे पहन के रखना होगा, कभी नीचे बैठी है कभी ऊपर बैठी है, तो इजी टू वेयर होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, इसलिए हम ऐसे डिज़ाइंस देख रहे हैं। किसी ने मुझे बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर ज़्यादा अबायास हैं, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पर आई हूँ देखने के लिए कि यहाँ पर कैसे अबायास हैं। तो ऊपर जाने के बाद ये पहली शॉप है जो मैं ट्राई कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी 380 दिरहम्स, वेरी नाइस। And you said that you can even make in this color. So this color could be outside and this color will be inside. Also black, okay. And this is another color. This is the other color. Wow, this is better, I think. This is nicer, yeah. Can I try this one on me?
इस शॉप पे जो है वो ज़्यादातर जो प्राइस थी वो 380 थी, और ये वाला मैंने ख़ुद पे ट्राई किया, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी को पसंद नहीं आया, कहती कलर अजीब सा है, बट आई जस्ट लाइक इट। और इसका फैब्रिक थोड़ा सा गफ फैब्रिक था, तो वो एक बड़ा पॉश सा लुक आ रहा था। एम्ब्रॉयडरी वॉज ऑल्सो सो नाइस एंड लाइट। ये इनके पास कैटलॉग है कलर्स की, जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको इनर और आउटर क्या शेड रखना है। जैसे मैंने वो बेज और ब्लैक पसंद किया है, तो ब्राउन के साथ ब्लैक, या फिर ब्राउन के साथ बेज। तो ये सारे कलर किसकी ऑप्शंस है, काही कलर है, एक्वा ब्लू, ग्रीन एंड सो लाइक दैट, देयर आर मेनी ऑप्शन। मुझे ये भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है जिसमें बाहर ये हो और अंदर ये हो, इट्स नाइस प्रिटी। उसके बाद एक ये शॉप थी, इसका नाम था अरूसा अल बिलाद, और यहाँ गई हूँ अंदर, तो यहाँ जो है वो ये सारे डिज़ाइन इनके लेटेस्ट डिज़ाइन थे, इनके जो डिज़ाइन पे लगाए हुए थे, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। ना मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगे, लास्ट प्राइस इनका वर्क बहुत अच्छा लगा, बिकॉज देखिए कितनी ज़्यादा लेसेस लेसेस लगा दी हैं, तो एकदम बहुत भर दिया है। साथ में शैला भी है खाली, तो यहाँ मैंने कुछ भी पसंद नहीं किया, डिडंट लाइक एनीथिंग ओवर हियर। ये एक शॉप के बाहर डिस्प्ले पे ब्लैक कलर के अबायाज लगे हुए थे जो कि सी थ्रू थे, सो ये स्पेसिफिकली उन लोग के लिए हैं जिन्हें दिखाना है कि उनके अंदर के कपड़े कैसे हैं। ये देखें सामने जो है वो स्टॉल्स भी लगाए हुए लोगों ने, पूरी पूरी शॉप नहीं है बल्कि स्टॉल्स लिए हैं, तो यहाँ पे भी कलेक्शन नज़र आ रही है। जैसे कि मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, प्राइस टैग तो नहीं लगा हुआ इसका। ये सारे भी कुछ डिफरेंट स्टाइलिश यूनिक स्टाइल के अबायाज हैं, ओके 330 इज़ द फाइनल प्राइस। यू कैन मेक एनी कलर इन दिस ऑल्सो एम ट्राइ। स्पार्क्स जो होते हैं ना उसकी शॉप लगाई हुई है, तो अगर क्योंकि बहुत सारे अबाये की शॉप्स ऐसी हैं जो खाली अबाया सेल कर रहे हैं स्कार्फ नहीं, तो आप यहाँ से आके अपनी पसंद के कलर के स्कार्फ्स भी ले सकते हैं, स्टोल्स ले सकते हैं टू वेयर ऑन द अबाया। इनकी प्राइस 20 दिरहम्स है पर पीस, 20 दिरहम्स। मुझे जो है वो वाले अबाया पसंद आए जहाँ पे 180 दिरहम्स के थे, बिकॉज ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी के लिए एक अबाया तो लेना नहीं होगा, 3-4 लेने होंगे। तो मैंने सना को तस्वीरें भेजी हैं, बट शी इज़ नॉट वेरी श्योर, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसके साथ आऊँगी और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा बाय लेना है उसके लिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लूँगी अलविदा। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और एक बात तो मैं आप लोगों से बोलना ही भूल गई गाइस, कि आप लोग जो यहाँ रहते हैं UAE में, दुबई में, अगर उनके पास कोई अच्छी रिकमेंडेशन है अबाया बाय करने के लिए, अच्छी जगह, कोई अच्छी शॉप, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज मेरी बेटी जाने वाली है यूनिवर्सिटी, और मैं उसने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी में अबाया पहनेगी, तो शी वांट्स टू बाय लाइक नाइस पेस्टल कलर्स, लाइट सॉफ्ट फैब्रिक अबायास। और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं चाह रही हूँ, बिकॉज डेफिनेटली 4-5 तो ख़रीदने होंगे, तो कम प्राइस रेंज में हो, अच्छी चीज़ हो, तो ज़रूर बताइएगा मुझे अगर आपको कोई अच्छी जगह पता हो तो। थैंक यू सो मच।